गुजरात की तरफ बढ़ रहा बिपरजॉय 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का महाराष्ट्र और गुजरात में असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। वहीं इसकी वजह से मुंबई में ऊंची लहरें देखी गयी। द्वारका के गोमती घाट पर हाई टाइड देखा गया है। बिपरजॉय चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। गुजरात में ही इसका सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है। इसको लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय बैठक की है। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। मनसुख मांडविया ने किया दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों के मद्देनजर कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। द्वारका से 4,700 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। 13 जून सुबह 10 बजे तक द्वारका जिले में 4,700 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने की प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए और तूफान के खतरे को टालने के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना की। पर्यटकों को तटों के पास जाने की अनुमति नहीं। द्वारका के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ओखा बंदरगाह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक एक टीम और एनडीआरएफ की एक एक टीम तैनात की जानी है। लगभग 250 लोगों को अस्थायी आश्रम घरों में शिफ्ट कर दिया गया। पर्यटकों और स्थानीय आबादी को गोमती घाट, शिवराजपुर समुद्र तट, बैठ द्वारका और तट के अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कच्छ में अब तक 8,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 1.5 लाख छोटे बड़े जानवर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं।